हेलो एवरीवन, पाठक की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है डीएनए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब यहां पे हम डीएनए का फुल फॉर्म का मीनिंग समझेंगे कि क्यों हम इसको डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो डीएनए होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल के न्यूक्लियस में। तो जैसा कि मैं यहाँ पे एक सेल बना लेता हूँ, ये कौन है, सेल। सेल के न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड। ये सेल का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर कौन है, न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड कौन हो सकता है, या तो डीएनए हो सकता है और ये कौन हो सकता है, आरएनए। तो अगर मैं यहाँ पे किसकी बात करें, हम क्या पढ़े यहाँ पे, डीएनए। तो डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ये कौन है, डीएनए। और डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो ये सबसे पहले दिया किसने था डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, तो वो किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक जो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था 1953 में कि जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। हम आगे देखेंगे कि डबल हेलिक्स का मतलब क्या है यहाँ पे, क्यों डीएनए इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हमने सुना है कि जो डीएनए होता है वो क्या करता है, कैरेक्टर को एक जनरेशन से क्या करता है, दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करता है। कैसे, क्योंकि इसके अंदर कौन प्रेजेंट होते हैं, डीएनए के अंदर जीन्स। कौन प्रेजेंट होते हैं, जीन्स। तो यहाँ पे जीन्स का काम क्या है, जीन्स क्या करता है, कैरेक्टर को क्या करता है, कैरी करता है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करता है, ट्रांसफर करवाता है। कौन, जीन्स। तो डीएनए का काम क्या होता है कि जो कैरेक्टर होते हैं वो पेरेंट से कहां ट्रांसफर कराता है, न्यू ऑफस्प्रिंग जनरेशन जो बेबी होता है उसमें ट्रांसफर कराता है। जब डीएनए में क्या होता है कि वो कैरेक्टर, जैसे कि एग्जांपल हम देख रहे हैं हमारे बॉडी का कलर या हाइट या हेयर का कलर या आईज का कलर, तो ये कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, ये क्यों हमारे पेरेंट्स से मिलता है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि डीएनए के अंदर कौन है, जीन्स। और जीन्स क्या करता है, कैरेक्टर को कैरी करता है और ट्रांसफर करता है वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। अब हम देखते हैं कि ये डीएनए मिलकर किससे बना हुआ है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, डीएनए तीन पार्ट में मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला होता है फॉस्फोरिक एसिड, दूसरा यहां पे क्या होगा, सुगर। कौन सा सुगर है, ये है पेंटोज सुगर। और थर्ड क्या होगा यहां पे, नाइट्रोजनस बेस। तो हम यहां पे देखने वाले हैं नाइट्रोजनस बेस। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉस्फोरिक एसिड में कौन आएगा, यहाँ पे आएगा फॉस्फेट। क्या काम होगा फॉस्फेट का, आगे क्लास में अपन देखने वाले हैं। यहाँ पे है फॉस्फेट, क्या काम करेगा देखेंगे। पेंटोज सुगर, पेंटोज मतलब यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, पांच। पांच क्या है, सुगर या पांच कार्बन है। तो ऐसे कौन से सुगर है या कौन से कार्बोहाइड्रेट है जिसमें हमको पांच कार्बन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे होगा, एक होगा डीएनए और एक होगा आरएनए। अब हम यहां पे देखने वाले हैं कि क्यों हम इसको डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोल रहे हैं। अच्छा, आरएनए का फुल फॉर्म सबको पता होगा कि राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का क्या होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो दोनों में डिफरेंशिएट क्या है, अगर मैं इसका रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो कैसा होगा, यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि दोनों में स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है। तो अगर मैं यहां पे बनाऊं, ये एक दो तीन चार और यहां पे ये पांच कार्बन, सेम एज इट इज यहां पे आप देख लो, ठीक, दोनों पास पांच पांच कार्बन है। अब डिफरेंस क्या, अगर मैं आरएनए की बात करूंगा तो उसके थर्ड और सेकंड दोनों कार्बन में क्या प्रेजेंट है, ओएच ग्रुप प्रेजेंट है। बट वहीं अगर मैं डीएनए की बात करूंगा तो यहां थर्ड में तो ओएच है बट सेकंड में क्या है, ओनली H। तो यहां का ऑक्सीजन कहां गया, यहां का ऑक्सीजन का क्या हो गया, डी ऑक्सीडेशन हो गया।
ऑक्सीडाइज हो गया, इसलिए मैं उसको बोल रहा हूँ डी। डी का मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हो सेकंड, मतलब सेकंड नंबर पे जो ऑक्सीजन था वो वहां से क्या हो चुका है, रिमूव आउट हो चुका है। दोनों के स्ट्रक्चर में सिर्फ सेम डिफरेंस है, एक डिफरेंस है कि क्या कि यहाँ पे जो सेकंड नंबर में जो कार्बन है उसमें ओनली क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, इसमें डी रहेगा। अब हम देखते हैं नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस होते हैं टू टाइप्स के, एक होगा प्यूरीन और एक क्या होगा पिरामिडीन। अच्छा क्या होता है प्यूरीन, क्या होता है पिरामिडीन, जैसा कि हमने सुन रखा है कहावत है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, बट यहाँ पे अपन लॉजिक को उल्टा करने वाले। क्या अगर यहाँ पे नाम छोटा है तो उसका काम भी छोटा होगा, क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ दो को कैरी कर रहा है, एक करेगा एडिनिन को और एक ही किससे करेगा ग्वानिन को। क्या काम है इनका आगे हम देखेंगे कि जब डीएनए का मैं डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर बना रहा हूं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल एडिनिन ग्वानिन या साइटोसिन थायमिन इन सभी नाइट्रोजनस बेस का होने वाला है, क्योंकि यही आपस में क्या बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, और तभी जो दो स्ट्रैंड है वो आपस में क्या कर पाएंगे बाइंड कर पाएंगे। वहीं अगर मैं पिरामिडिन की बात करूंगा तो भी इसका नाम बड़ा है तो इसका काम भी बड़ा होगा, कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आएगा थायमिन, दूसरा क्या आएगा साइटोसिन, और अगर मैं आरएनए की कंडीशन में बात करूंगा तो वहां पे क्या आ जाएगा यूरेसिल। यहां तक तो किसी को डाउट है क्या, नहीं कोई डाउट नहीं, बहुत इजी है। ये हम डीएनए की बात करें तो डीएनए तीन चीजों से मिलकर यहाँ पे बन रहा है, सबसे पहले फॉस्फोरिक एसिड होगा, फिर होगा पेंटोज शुगर, और थर्ड में क्या होगा नाइट्रोजिनस बेस होगा। तो नाइट्रोजिनस बेस में किसको किसको ला रहे हैं हम, प्यूरीन एंड पिरामिडिन। तो प्यूरीन मींस नाम छोटा है तो काम भी छोटा है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ ला रहा है एडिनिन और ग्वानिन को। वहीं पे अगर मैं बात करूं पिरामिडिन का तो पिरामिडिन नाम बड़ा तो सोचो काम भी बड़ा ही होगा, क्यों, क्योंकि थायमिन को भी कैरी कर रहा है, साइटोसिन को भी कैरी कर रहा है, और यूरेसिल, यूरेसिल कब आएगा हम आगे पढ़ने वाले हैं आरएनए की कंडीशन में। आया तो बात समझ में। अब हम देखते हैं कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये सबने देखा होगा, ये है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। तो अगर मैं बात करूंगा कि सर ये स्ट्रैंड किससे मिलके बना हुआ है या ये स्ट्रैंड किससे मिलके बना हुआ है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं इस डीएनए का स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए मेरे को दो चीज चाहिए, सबसे पहले चाहिए मुझे न्यूक्लियोसाइड और दूसरा मुझे चाहिए न्यूक्लियोटाइड। तो क्या होता है यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड, क्या डिफ्रेंशिएट है, अभी देख लेते हैं। जब भी हम बात करेंगे, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, अगर मैं जब भी बात करूंगा कि मेरे को न्यूक्लियोसाइड बनाना है, क्या बनाना है मुझे न्यूक्लियोसाइड बनाना है, तो सीधा आपके माइंड में पहले ये आना चाहिए कि अच्छा इसमें हमको चाहिए एक तो सुगर प्लस दूसरा क्या चाहिए मेरे को बेस, कौन सा बेस है यहाँ पे, वो है नाइट्रोजिनस बेस। मतलब जहां पे सुगर प्लस बेस को आपस में अगर मैं बाइंड करा रहा हूं तो वो क्या है न्यूक्लियोसाइड है। अब अगर मेरे को न्यूक्लियोसाइड से मैं क्या बनाऊंगा न्यूक्लियोटाइड, कैसे, इधर देखिए, अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं न्यूक्लियोटाइड की, किसकी बात कर रहा हूं मैं न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या आएगा सुगर प्लस बेस और इसके सामने मेरे को क्या ऐड करना है फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फेरिक एसिड में ऐड कर दूंगा। तो सुगर प्लस बेस की अगर बात है, अगर क्वेश्चन आता है कि भैया सुगर प्लस बेस है तो वो क्या है, वो है न्यूक्लियोसाइड। मतलब कई सारे न्यूक्लियोसाइड आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड का, कैसे, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में भी सुगर प्लस बेस है, ऐड क्या हो गया एडिशनल फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ऐड कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो अगर फॉस्फेट प्लस सुगर प्लस बेस है तो वो क्या बनाएगा न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। मतलब कई सारी न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं डीएनए का फॉर्मेशन कर रहे हैं। पहले ये मोनोमर है, अब मोनोमर कई मोनोमर आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं पॉलीमर बना रहे हैं, ठीक। तो ये डीएनए का डबल हेलिक्स, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है ये जीन्स है। अब यहाँ पे ये जीन्स का क्या काम है, ये जीन्स है कौन, ये जीन्स है नाइट्रोजिनस बेस। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था नाइट्रोजिनस बेस कौन कौन से हैं, एडिनिन ग्वानिन थायमिन और साइटोसिन। अगर मैं बात करूं कि सर ये दोनों स्ट्रैंड को हमने आपस में जोड़ा कैसे, जैसे एग्जांपल आप समझ लो, आप सबने अपने घर में देखा होगा सीढ़ी, सबने देखा होगा निशानी जिसको बोलते हैं निशानी। तो यहाँ पे ये दो डंडे हैं बम्बू हैं, क्या ये दोनों आपस में जॉइंट है क्या अभी, नहीं। अगर ये दोनों को मेरे को निशानी बनाना है दोनों लकड़ियों से तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के पीछे मेरे को एक एक और लकड़ी ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके ये क्या बनेगा निशानी बनेगा या सीढ़ी बनेगा।
तो ये जो बीच में ऐड किया हूं, तो आप समझो ये एक न्यूक्लियोटाइड स्टैंड है और ये एक न्यूक्लियोटाइड स्टैंड है। तो ये दोनों को आपस में मैंने जोड़ा किसकी मदद से है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्वेश्चन आपको पूछता ही पूछता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? कौन? नाइट्रोजनस बेस। जैसे एग्जांपल यहां से आप समझ लो, यहां पे मैं लिख रहा हूं एडेनिन और यहां पे कौन है? थाइमिन। एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? टू हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन और थाइमिन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बाइंड कर रहा है? दो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। वहीं अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे साइटोसिन और गुआनिन की, तो वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे? यहाँ पे तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा हो गया, एडेनिन या थाइमिन वाला या साइटोसिन और गुआनिन वाला? नॉर्मल सी बात है, कौन सा होगा? साइटोसिन और गुआनिन वाला। क्यों? क्योंकि इसके पास कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है? तीन हाइड्रोजन बॉन्ड है। वहीं अगर मैं एडेनिन और थाइमिन की बात करूंगा, तो उसके पास कितने हैं? सिर्फ दो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ऐसी एक लंबी श्रृंखला बनती है जिसमें दो स्टैंड आपस में बाइंड होते हैं। किसकी मदद से? नाइट्रोजनस बेस की मदद से। वो आपस में कैसे जुड़ते हैं? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ये लंबी श्रृंखला मिलकर किसका फॉर्मेशन करता है? डीएनए का फॉर्मेशन करता है। अब जो आगे का टॉपिक है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।